हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा फरवरी और मई 2024 में कराई जाएंगी। इसको लेकर बोर्ड की ओर से डेट शीट भी जारी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फरवरी में संचालित होने वाली 10वीं और 12वीं डीएलएड की परीक्षाओं की डेट शीट जल्द ही वेबसाइट पर भी जारी कर दी जाएगी। ये परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजित होंगी। परीक्षाओं की डेट शीट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.bseh.org.in पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से इस डेट शीट को आसानी से चेक कर सकते हैं। ये बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने वीरवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू, 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलने वाली हैं। इसके अलावा डीएलएड की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक संचालित करवाई जाएंगी। ये सभी परीक्षाएं एक ही सत्र में यानी कि दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। इस बार 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में 25% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप से आएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा। वार्षिक उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल मार्किंग भी की जाएगी। डिजिटल मार्किंग से पर्याप्त अंकों को गिनने में जो समस्या आती थी उससे निजात मिलेगी। इस दौरान उत्तर पुस्तिका के कोड भी डिजिटल मार्किंग में ऑटो मोड में होंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल मार्किंग से मूल्यांकन की गुणवत्ता बढ़ेगी व परीक्षा परिणाम भी सटीक होंगे। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड परीक्षाएं जो कि फरवरी मार्च में शुरू हो रही हैं उसके लिए डेट शीट जारी कर रहा है। और ये तीनों की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर अलग अलग समय पर, जैसे सेकेंडरी की 27 से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी, सीनियर सेकेंडरी की है 27 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी, और डीएलएड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेंगी। और इन परीक्षाओं को जो समय है वो दोपहर 12:30 बजे तक से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। 10th का, 12th का और डीएड का हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है जो 27 फरवरी तक से चलेगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। सारा उन्होंने इन डिटेल आपको बता दिया है। मैं आपके माध्यम से बोर्ड परिवार की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगी। आने वाला नया साल आप लोगों के जीवन में शुभकामनाएं लेके आएं, और मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली लें, क्योंकि 12th का एग्ज़ामिनेशन है और 12th का एग्ज़ामिनेशन करियर डिसाइडेड होता है। जितने परसेंटेज आप मार्क्स लेंगे उसके हिसाब से ही आपका आगे एडमिशन का प्रोसीजर आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। गौरतलब हो कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। प्रश्न पत्र के चारों कोड में 96% प्रश्न एक समान रहेंगे, केवल 4% ही प्रश्न भिन्न किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी कोड में प्रश्नों के क्रम अलग अलग होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पैटर्न में किए गए बदलाव के बाद बच्चों के रिजल्ट पर इसका क्या असर पड़ता है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।